ग्राउंड जीरो से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये खास खबर। नदी में उफान आने के बाद कहें तो दरभंगा के भरौल पंचायत में दूसरी बार सड़क संपर्क भरौल पंचायत से टूट गया है। इससे कुछ दिन पहले भी जब नदी में पानी आया था तो भरौल पंचायत का जो ये मुख्य सड़क है, जो बाईपास से और भरौल गांव तक जोड़ती है, उस पर आप देख सकते हैं जो सड़क पर करीब 5 से 7 फीट पानी चला आया है। और लोग जो है सो अब इनका एकमात्र सहारा बचा हुआ है नाव, जिस नाव के बदौलत ही लोग अब इस सड़क से अपने गांव तक जाते हैं और आते हैं दिनचर्या का काम करने के लिए। जिनको भी आना पड़ता है, अब नाव ही एकमात्र सहारा बचा हुआ है। हमारे साथ अभी यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे हम जानेंगे जो बाबा कैसे आना जाना हो रहा है। सब सर जैसे नाव से आना है जाना है, और जैसे नाव नहीं रहने पर ही पार का आदमी वही पार रहता है, वही पार का आदमी वही पार रहता है। जैसे बड़का भारी पर्व न है। कितने दिन पहले इस सड़क पे पानी चढ़ा है? ये कम से कम रखे पौने 2 महीना हो गया, पौने 2 महीना से पानी दोबारा पानी आ चुका है। कम से कम 2500 गाँव का जो है से बड़का भारी पोरबनल जो है चल रहा है। नाव से आना जाना जो है से उतरना जो है से सब कुछ जो है से, नाव रहेगा तो उतरेगा, नहीं नाव रहेगा तो जो है से इस बार के आदमी वही पार रहेगा, वही बार के इस बार आ जाएगा। कितनी समस्याएं हो रही है? समस्या तो बहुत जो है से सब खराब समस्या बीत रहा है। कितने दिनों से पानी इस तरह है, सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था की है? पानी तो रखिए जो है 1.5-2 महीना से जैसे पानी ऐसे जैसे पानी 6 फीट 7 फीट पानी यह से अभी इस सड़क पर है। नाव से आना है जाना है, नहीं नाव रहेगा तो यही पार रहना है। देखिए भरौल पंचायत के लोगों का साफ तौर पे कहना है, जो ये 2 महीना से है दूसरी बार जो है बाढ़ का पानी यहाँ आया है और इस सड़क संपर्क जो है गांव से खत्म हो चुका है। सड़क पर करीब 7 से 8 फीट पानी लगा हुआ है। अब लोग जो है नाव के सहारे ही अपना मुख्य काम करने के लिए बाजार आते हैं तो नाव पे ही आते हैं, और नाव ही एकमात्र इनका सहारा बचा हुआ है, जिसके सहारे ये लोग अपना जीवन या दैनिक कार्य के लिए अगर गाँव से निकलना होता है तो नाव का सहारा लेते हैं। जिसके कारण जिला प्रशासन के द्वारा नाव तो मुहैया कराया गया है, लेकिन जब नाविक नहीं रहता तब लोग यहाँ के जो है स्थानीय लोग इधर इंतजार करते रहते हैं जो कोई नाविक आए और नाव को इस पार से उस पार पहुंचा पाए। गिरीश कुमार, कशिश न्यूज, दरभंगा। गोपालगंज में एक बार फिर कशिश न्यूज का खबर का असर हुआ है। मीरगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 में जो करोड़ों के लागत से जल मीनार बनाया गया था वो अभी ध्वस्त होने का कगार पे है। वहाँ जल मीनार के कैंपस में कचरे का अंबार और नगर परिषद के कचरे का वहाँ डंप किया जा रहा था। जिससे खबर दिखाने के बाद कशिश न्यूज का खबर का असर हुआ है। वहाँ नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा डंप किए गए कचरे को सफाई कर्मियों के द्वारा 24 घंटे के अंदर उसको सफाई कार्य में लग गए हैं। और वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि कशिश न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिसने कई वर्षों से डंपिंग किया जा रहा है कचरे को, अभी तक सफाई नहीं किए गए, लेकिन कशिश न्यूज खबर दिखाने के बाद से लगातार सफाई शुरू हो गई और सफाई अच्छे से चल रही है। मंजेश, कशिश न्यूज, गोपालगंज।